दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ सबिया एयरपोर्ट पे, जो कि आखिरी बार ये यूज किया गया था 1962 में, जब हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसको लेकर इस आखिरी बार ये फील्ड का मतलब यूज किया गया था। तब से आप देख सकते हैं ये फील्ड में काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और देखते हैं और देख कर घर जाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ का अपडेट हर तरह से, यानी हर तरह से देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था यहाँ पर, जो कि पहली बार यहाँ पर एयरपोर्ट बनने को लेकर कुछ प्रशासन, यानी गोपालगंज के कुछ प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर 1011 लोगों को जो अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए थे, और वो ज़मीन को लेकर एक बार यहाँ पर आके वो संदेश सुनाए थे। खास करके नोटिस नहीं दिए थे, लेकिन वो बोल के गए थे कि आप लोग यहाँ पर खाली कर दीजिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खास करके जो कानूनी कार्रवाई कैसे होती है, बहुत कानूनी कार्रवाई में टाइम लगती है। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ सबया एयरपोर्ट पे, और ख़ास करके दूसरी बार कोई अपडेट आया है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे, और दूसरा अपडेट क्या है वो भी बताएंगे। और ख़ास करके ये बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द इस एयरपोर्ट में कार्य होने वाला है, और 1 हफ्ता में ये, जैसे कि डीएम गोपालगंज के डीएम नवल किशोर जी का आदेश है कि 1 हफ्ता में जो कि 1011 लोगों अतिक्रमण किए हैं उनको खाली करवाना है। खास करके वो हथुआ प्रखंड के जो कि जिला अधिकारी हैं, वो जिला जैसे कि हथुआ थाना के, यानी उचका गांव थाना के तमाम यहां के थानों को आदेश दे चुके हैं, और 1 हफ्ता में आपको कुछ नया अपडेट हमारे चैनल से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अभी मैं मौजूद हूं सबया एयरपोर्ट में, और सबया एयरपोर्ट का जो कि एक बहुत सा प्राचीन, जो इससे कि आप देख सकते हैं लाइटिंग पॉइंट है, ये लाइटिंग पॉइंट बहुत प्राचीन है, और जो एक बार इसको देखता है वो समझ जाता है कि हाँ ये अभी सबया एयरपोर्ट से वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ का कुछ और तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। खास करके जैसे कि पिछली बार जो मैं ज़मीनी हकीकत यहाँ से दिखाया था वो भी इस बार दिखाने का प्रयास करेंगे। और चलिए दोस्तों हमारे पास जो नोटिस है उसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ देते हैं। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नोटिस, जो कि ये नोटिस में क्या क्या लिखा है वो हम आपको एक बार पढ़ के बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पूर्णतः विश्वास हो जाए कि हाँ 1 हफ्ता में इस पर प्रॉपर कार्रवाई होगा, जो कि 1011 लोगों पर नोटिस आया है यानी अतिक्रमण का। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा न्यूज़ हर वक्त यानी हर जगह से आपको ऐसा ही देते रहेंगे। जैसे कि हम ये नोटिस कैसे प्राप्त हुआ, जैसे कि यहाँ के गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, उनके हमको ट्विटर से एक मिला, तो ट्वीट तो हम वो पढ़ के आपके पास सुनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लिखा है कि जिला पदाधिकारी गोपालगंज, अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ, अंचल अधिकारी हथुआ, उचका गांव यानी थाना प्रभारी हथुआ। दोस्तों आपको बता दूं जी कि जो गोपालगंज के डीएम है इन इतना लोगों को आदेश दे चुके हैं खाली करवाने के लिए, और ख़ास करके हम आपको यहाँ का कुछ अपडेट बताते हैं। जैसा कि उपयुक्त उप सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना, और दिनांक 21/4/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के माध्यम एयरपोर्ट पर 1011 अतिक्रमणकारियों द्वारा 338.66 एकड़ में कृषि उपयोग का कच्चा एवं पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिए जाने का सूचना है। अतः प्राप्त पत्र की प्रति इस पत्र को साथ संलग्न कर भेजते हुए निर्देश है कि विषय की महत्ता को देखते हुए हथुआ अनुमंडल में सबया एयरपोर्ट की भूमि पर किया गया है अतिक्रमण को संबंधित प्रतिवेदना को अवशोषित को निर्धारित रूप से 1 सप्ताह के अंदर अवगत कराएंगे, और यहाँ का हस्ताक्षर है जो कि जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर है यानी डीएम का हस्ताक्षर है, और ख़ास करके यहाँ पर बहुत जल्दी 1 हफ्ते में आपको कुछ नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभी ये, तो खास करके यहाँ पर हमारे साथ एक भैया मिले हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो जिसका गरीब आदमी का नहीं है वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सैफ अली। सैफ अली, हाँ, जो आपका घर कहाँ पड़ेगा? ओटनी पट्टी। ओटनी में है। तो आप ये एयरपोर्ट को लगभग कितना दिनों से जानते हैं? हम लोग
35 साल हो गया यहाँ पर बस। यानी आपकी उम्र के हिसाब से आप जानते हैं यहाँ पर हम लोग पैदा हुए हैं। तो आपको क्या कहना है? मतलब गरीब आदमी जाएगा कहाँ? इतना आदमी जिसका घर है वो तो रहेगा, और गरीब आदमी का मिलना चाहिए हक, नहीं देगा तो आदमी कहाँ जाएगा? कहने का मतलब है जैसा कि वो बनाए एयरपोर्ट बनाए उसका कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, है ना, मगर उसका कुछ मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा देना चाहिए। हाँ, गरीब आदमी इतना जाएगा कहाँ, इतना बसा है। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको, जैसे कि 1011 लोगों को चिन्हित किया है जो कि केंद्र से हुआ चिन्हित, यहाँ के गृह राजनाथ जी है वो चिन्हित किया, और यहाँ के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है वो वहाँ पर आदेश दिए थे कि यहाँ पर कुछ लोग अतिक्रमण किया है, तो खास करके 1011 लोगों के पास अभी कैसा कैसा नोटिस आया है? कुछ नोटिस आया है, आपको जानकारी है? हाँ आया है, वो हल्ला हुआ है यहाँ पर हटाने के लिए, 28 फरवरी का हुआ था और बीच में भी हुआ था, सब लिख कर ले गया था, गरीब आदमी नहीं है तो उसका मिलेगा। अभी तक कुछ आया नहीं, और ये इतना बता रहे हैं 20 तारीख तक खाली करा देंगे, जुम्मा पर रहा, शुक्र वाले दिन पर रहा, कल फेसबुक पर दिया था, कल फेसबुक पर दिया था और फेसबुक पर दिया था। और खास करके मैं जो अभी ये न्यूज आपसे ले रहा हूँ, ये डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, उनके मतलब इंस्टाग्राम से हमको ये लिंक मिला कि एक हफ्ता में अभी जो 1011 लोग अतिक्रमण किए हैं उनको मतलब हथुआ प्रखंड के पुलिस अधिकारी यानी उचका गांव के पुलिस अधिकारी और तमाम थाना के लोग आएंगे, यानी उचका गांव के और हथुआ के, और यहां पर जो अधिकारी जो 1011 आदमी अतिक्रमण किए हैं उनको खाली करना पड़ेगा। तो हमको आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ये 517 एकड़ में टोटल साबिया एयरपोर्ट का जमीन है, 517 एकड़ में यानी 338.66 मतलब एकड़ लोग यहाँ पर कब्जा किए हैं, तो कब्जा किए हैं तो खास करके वो तो सरकारी सेंट्रल का जमीन है, राजस्व का जमीन नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल का जमीन है तो उन लोगों को तो खाली करना पड़ेगा, कभी तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करे चाहे कल करे। मतलब मेरा कहना है इसका कोई मुआवजा दे सरकार, कहीं रखने का जगह दे गरीब आदमी का, जिसका घर द्वार नहीं है वो कहाँ जाएगा? यहाँ गोपालगंज भी आदमी आया है, दियारा में एक नौका टोला पड़ता है जिन बेर का आगे, वहाँ भी आदमी बहुत बसा है, आदमी बसा है बहुत लोग, एक पूरा बस्ती है, 17 गाँव से 17-12 गाँव है और उतनी पट्टी गांव बीच में पड़ता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी नहीं जो तो, नहीं अभी तो कुछ आगे और कारीगर बढ़ाए, कुछ समय दे कुछ दिन के लिए, कुछ आदमी हटेगा तो जाएगा कम से कम 2 साल चाहे 4 साल के लिए। अभी तो प्रशासन के लोग लगभग आपके लिए 2 महीना 1 महीना समय दिया था हटने के लिए, लेकिन अब खास करके हम काफी लोगों से यहाँ पर आकलन किया, दोस्तों मैं बता दूं अभी साबिया में काफी लोगों से आकलन किया और वो बोल रहे थे कि जब तक हम लोग के पास कुछ ऐसा नाम से नोटिस नहीं आएगा तब तक हम कैसे हट सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको हटना है कि नहीं हटना है, हम अतिक्रमण रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये सब पूरा जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से ऑफ कैमरा लिया, लेकिन अभी खास करके ऑन कैमरा कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं, तो अब इस पर देखिए क्या आगे सरकार का प्रक्रिया। और एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा न्यूज आप यहाँ के देखने को मिलेगा। हमको आप एक बात बताइए, अगर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो सही है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है, और बढ़िया है, बढ़िया है, और खुशी की बात है, क्योंकि दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, पटना जा रहा है, छपरा जा रहा है, उसमें काफी रोजगार भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो कि अब सरकार कार्रवाई इस पर कर रही है, कर रही, तो पूरा कर अच्छा है कि खराब है? अच्छा है, अच्छा है, हाँ, मगर इसका कुछ मुआवजा देना चाहिए, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे वीडियो में काफी लोग देखे और काफी लोग हमारे वीडियो पर कमेंट किए, पिछला वीडियो में डाला था तो उसमें यही बात था कि कितना लोग कमेंट किए थे, क्या मालूम कौन कौन कमेंट किए थे, लेकिन जो कमेंट किए थे मैं उन सभी कमेंटों को अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ और एक एक कमेंट का उस पर विचार करके वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है वो खाली करा, ये सरकार का जमीन है चाहे किसी का है, मतलब गरीब आदमी का हक दो कहीं रहने की जगह, जिसका नहीं एकदम कहाँ जाएगा, जिससे है तो वो तो कहीं भी बना लेगा, वो तो कहीं बना लेगा। हाँ, कहने का मतलब ये है, वो आज चाहेगा तो आज खाली करा देगा, कल चाहेगा तो कल खाली करा देगा, कोई मेरा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन हमको ये कहने का मतलब है कि जब 1962 में यहाँ पर युद्ध हुआ तो यहाँ पर तो एयरपोर्ट यानी जहाज आती जाती होगी, उस टाइम तक तो कोई यहाँ पर नहीं बसता था, तो फिर यहाँ आदमी आए कहाँ से आए? मतलब आपको कहने, हमारे कहने, किसी के पास घर द्वार नहीं है, कोई आके बस गया, कोई कहीं से आके बस गया, कोई कहीं से आके बस गया, इसी तो होता है। तो दोस्तों ये रहे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, और ख़ास करके इन लोगों को अभी भी ये वही कहना है कि कुछ लोगों को ज़मीन यानी अलग जगह पर दे दिया जाए, जैसे कि कई लोगों से मैं यहाँ पर जांच किया तो कुछ लोगों को यानी इंदिरावास मिल चुका है,
ऐसा में कितना लोगों को नहीं मिला है, इंदिरा आवास मिल चुका है इस जमीन के अंदर, यानी इस एयरपोर्ट के अंदर कुछ जमीन है उस पर इंदिरा आवास मिला है। तो हमारे देखने का मतलब यही है कि जिस लोग को इंदिरा आवास अगर एयरपोर्ट के जमीन के अंदर मिला है, खास करके वो अतिक्रमण के रूप में नहीं आए होंगे, इसलिए उनको अभी पास हो चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ के कुछ और तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हर तरीका से मतलब सुविधा आपको मिलेगा, और ख़ास करके एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देख सकते हैं हमारे पीछे वो पेड़ दिखाई दे रहा है, वो पेड़ के साइड से एक रोड जाता है जो कि हमको भोरे से यानी मीरगंज से भोरे जाने का वो रोड है। तो वो रोड पर भी काफ़ी ज़मीन जो कि अच्छा हो जाएगा, और इस जो रोड देख रहे हैं इसके आसपास में आपको काफ़ी रोज़गार मिलेगा। चलिए दोस्तों हम अंदर चलते हैं और इस एयरपोर्ट के यानी सबसे पुराना जो कि लाइटिंग पॉइंट है उसका कुछ व्यू दिखाते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि इसका व्यू, लेकिन आपको एक बार फिर उसका दीदार कराता हूँ, तो साथ हमारे बने रहिएगा और कैमरा पर्सन से आएंगे कि थोड़ा हमको कोऑपरेट करें। और चलिए हम आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं अभी ये है लाइटिंग पॉइंट, और ख़ास करके यहाँ से सब अपडेट होता था। जब भी यहाँ पर 1962 में यानी जहाज़ जाती थी तो यहीं से लाइटिंग पॉइंट अपडेट होता था, और एक बहुत प्राचीन जगह है साबिया एयरपोर्ट, और यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं अपने मूवी शूट करने यानी फिल्म शूट करने, जैसे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी यानी हीरो से मिलाए होंगे हम अपने चैनल के माध्यम से, आप देख सकते हैं। एक बार हम ऊपर के तरफ ले कर चलते हैं और इसका व्यू दिखाते हैं कि कैसा लगता है ऊपर से एयरपोर्ट। तो अभी मैं मौजूद हूँ साबिया एयरपोर्ट के जो कि लाइटिंग पॉइंट है, और इसके ऊपर खास करके 1962 में जब इस पे से लाइटिंग का यूज किया जाता था, यानी जो जहाज आते थे उसको यहीं से अपडेट किया जाता था। तो चलिए दोस्तों हम एक बार यहाँ से ऊपर का व्यू दिखाते हैं, और ख़ास करके जो अतिक्रमण रूपी जो कि यहाँ पर जो कृषि किए हैं और उन लोग पर भी कार्रवाई हुआ है कि उन लोग का भी छोड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चिन्हित नज़र आ रहा होगा, यानी जो कि यहाँ पर गेहूं बोया है सब यहाँ के लोगों, वो भी खाली करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखिए आप, कृषि कार्य हेतु पूरा ज़मीन यहाँ पर लोग कब्जा किया है, ये भी सब खाली करना पड़ेगा। हम ऊपर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, और इधर देखिए दोस्तों, इधर में हमारे कहने का मतलब साफ साफ वो नोटिस में लिखा है कि 1011 लोग पर किया गया, और ख़ास करके जो साबिया एयरपोर्ट में कृषि कार्य के लिए ज़मीन अतिक्रमण किया वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का जानकारी कैसा लगा प्लीज़ हमको बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक हफ्ता में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलना यानी जानकारियाँ मिलने वाली है, और ख़ास करके एक हफ्ता में यहाँ पर 1011 लोग जो बसे हैं उन लोग को हटना है। तो आज का जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ प्रेम सागर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।